Hello guys, welcome to my channel Runway Technology. आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब गाइज, आप इसको सेटिंग कैसे करेंगे और इसे क्या क्या सेटिंग है, क्या क्या इसके प्रोसेस हैं? गाइज, सबसे पहले हम इस मेल आईडी को रिमूव करेंगे और इसके बाद हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और क्या करना है, कहीं पे कॉपी करना, कॉपी करके रखना है। तो आप यहाँ पे नोटपैड में कॉपी करके रख सकते हो, ठीक है, या फिर इसको ओपन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है आपको,
अब आपको जाना है इस मेल पे, आप यहाँ देख सकते हो kisswriter@gmail.com, इस मेल पे जाना है और यहाँ से जाना है सेटिंग, सी ऑल सेटिंग्स, इसके बाद अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट्स, और आप नीचे आओ। नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हो चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड ए ईमेल अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपके कौन से मेल अकाउंट आपको ऐड करना है यहाँ पे। तो हमने जो ऐप पासवर्ड जनरेट किया था, हमने इस मेल आईडी का हमने ऐप पासवर्ड जनरेट किया था, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है मेल आईडी, एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, और फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे है ना ये वाली पासवर्ड आपको इंटर करना पड़ेगा जो हमने कॉपी किया था। तो मैं यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ से लेबल इनकमिंग मैसेज इसको ऑन करना है, और इसको भी चेक करना है, और इसको भी चेक करना है। आपको इन दोनों को चेक करना है, और इसके बाद ऐड अकाउंट करना है। करने के बाद आप देख सकते हो योर मेल अकाउंट हैज़ बीन एडेड, यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ से भी आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको सेंड वेरिफिकेशन भेजना है। आपको इस मेल आईडी पे जाएंगे एक वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो जीमेल टीम की तरफ से मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और वेरीफाई करना है, बस हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये हो गया। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हो ये अभी चेकिंग मेल कर रहा है। अब दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है गाइज, आपको यहाँ पे आना है फॉरवर्ड एंड पॉपअप IMAP, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हो इनेबल पॉपअप फॉर मेल डैट अराइव फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है, यहाँ पे आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ करना है सेव एंड चेंजेस। गाइज आप देख सकते हो फाइनली हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन आ चुका है, ठीक है। आप चाहे तो इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे लेबल कलर में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी कलर, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। गाइज हम क्या करेंगे कि हम एक मेल भेजेंगे इस मेल आईडी पे, आप ये देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मेल शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक ये वाली मेल आईडी से
लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, सी यू।